अब्दुल बारी साहब, आपको हिंदुस्तान का माहौल अच्छा नहीं लग रहा। आपको भारत के माहौल में रहने लायक परिस्थिति नहीं दिख रही है। आप अपने बच्चों को सलाह दे रहे हैं कि आप लोग विदेश की नागरिकता ले लो, वहीं शिफ्ट हो जाओ, वहीं नौकरी कर लो। बिल्कुल सही आपने कहा, और कहेंगे भी क्यों नहीं, इसलिए कि कहा जाता है ना कि प्रकृति मिले मन मिलत है, अनमिल से न मिलाए, और दूध दही से जमत है, काजी से फट जाए। तो आपके प्रकृति में ही, आपके मूल में ही वही चीज है। और कहा जाता है ना कि खग जाने खग ही की भाषा। आपको अपनी मूल चीज अपने तरफ खींच रही है, आप उसी के तहत जो है ये बात कह रहे हैं, इसलिए कि उसी माहौल में आप 7 बार विधायक रहे, उसी माहौल में आप मंत्री रहे। और जब आपको अच्छा माहौल, आपको थोड़ा बदला हुआ माहौल, बदले हुए भारत का माहौल जब दिख रहा है, तो आखिर आपको कहाँ अच्छा लगेगा भाई? आपकी प्रकृति तो अपने तरफ खींचती है, आप उसी को चाह रहे हैं। तो इतना समझ लीजिए कि हम तो ही कहेंगे कि आप अपने मन से, वचन से और कर्म से एक रहते हुए, आप खुद भी बच्चों को ही मत, आप खुद भी बाहर जा करके दुनिया के किसी भी देश में, वो चाहे मुस्लिम कंट्री हो या कोई भी देश हो, आप जाकर के शिफ्ट हो जाइए। हाँ, इतना जरूर करिएगा कि यहां से थोड़ा हम लोगों से कनेक्ट रहिएगा, ताकि हाल चाल हम लोग आपका लेते रहें कि आप भले कुशल से हैं कि नहीं। इसलिए कि जहां तक मेरे जानकारी में है कि भारत के अलावा इस तरह का माहौल शायद ही किसी देश में है, जो इतनी आजादी से आप कोई भी बात कह सकते हो। और हमें उम्मीद है कि जिस दिन आप ऐसा कर देंगे, और कुछ ही दिन के बाद जो अपनी मूल चीज पर आप जरूर आएंगे कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, आपको जरूर याद आएगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।